न्यूज तक अब नए अंदाज में। दिल को झकझोरने वाली ये तस्वीरें किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। एक पत्नी और बेटी जब शहीद ब्रिगेडियर को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हर शख्स की आंखों में आंसू थे। ऐसे में उनकी पत्नी और बेटी की हालत कैसी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्हें देख कर लोगों का दिल पसीज रहा था। इस मौके पर पत्नी गीतिका ने कहा कि हमें मुस्कुराते हुए उन्हें विदाई देनी चाहिए, तो वहीं बेटी का कहना था कि उनके पिता का जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार मांगते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell. A smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. सब कुछ याद आता है, but जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। आपको बता दें कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 लोगों ने जान गंवा दी थी। इस हादसे में जान गंवाने वालों में ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर भी शामिल थे। ब्रिगेडियर लिड्डर को शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई, लेकिन एक तरफ जहां पिता का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ 17 साल की बेटी की ट्विटर पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि ट्रोलिंग से परेशान होकर ब्रिगेडियर की बेटी ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी के अकाउंट डिलीट होने की खबर पर शिवसेना की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया और लिखा, वो अभी 17 साल की है, उसने अभी अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है जो एक आर्मी ऑफिसर थे। उसे उसके विचारों के लिए ट्रोल किया जा रहा है। वे उसकी जागृति को मॉडरेट करना चाहते हैं, उसे सही करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, और कितना नीचे जाओगे। इस मामले पर फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने भी इस पर ट्वीट किया और लिखा, जिस 16 साल की हैशटैग आशना ने 2 दिन पहले ही पिता को खोया, उसने आज पिता को मुखाग्नि दी। उस बच्ची को आईटी सेल ने इस कदर परेशान किया कि उसे अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा। इस ट्रोलिंग की वजह को बताते हुए विनोद कापड़ी ने इस ट्वीट में आगे लिखा, आशना ने पिछले कुछ ट्वीट्स में देश के हालात पर चिंता की थी और विपक्षी नेताओं के ट्वीट लाइक किए थे। ये घिनौना नया भारत है। आपको बता दें कि शहीद ब्रिगेडियर की बेटी के ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि कुछ लोग उसे अपने पिछले किए गए ट्वीट्स और विचारधारा के चलते ट्रोल कर रहे थे और उसे वोक नाम से पुकार रहे थे। पार्थ नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, मिस्टर लिड्डर की बेटी भी वोक है, उसका ट्विटर अकाउंट चेक करिए। बता दें, वोक का इस्तेमाल आजकल सोशल मीडिया पर राइट विंग के लोग, लिबरल या सेक्युलर आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खबरें हैं कि शहीद ब्रिगेडियर की बेटी ने लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पक्ष और योगी सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर उन्हें अब ट्रोल किया गया और आखिर में उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ा। वहीं बात करें एलएस ब्रिगेडियर लिड्डर की, तो आपको बता दें कि लखविंदर सिंह लिड्डर का जन्म 26 जून 1969 को हुआ था, जो हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे।
ब्रिगेडियर लीडर जनरल रावत के स्टाफ में पिछले साल से डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर तैनात थे। दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी माने जाने वाले लीडर की जल्द ही मेजर जनरल के तौर पर प्रमोशन होने वाला था। बतौर डिवीजन अधिकारी का चार्ज लेने के लिए वे जल्द ही जनरल रावत के स्टाफ को छोड़ने वाले थे। दिसंबर 1990 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त ब्रिगेडियर लीडर ने इससे पहले रेजिमेंट की दूसरी बटालियन की कमान भी संभाली थी। उन्हें अपने काम के लिए खास सेवा मेडल भी मिल चुके हैं। ब्रिगेडियर लीडर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी मिशन में काम किया और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा पर एक ब्रिगेड का नेतृत्व भी किया। साथ ही उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ JAKRF की एक बटालियन की कमान भी संभाली। लीडर जनवरी 2021 से CDS के रक्षा सहायक थे। जनरल रावत के रक्षा सहायक के तौर पर ब्रिगेडियर लीडर ने भारत के रक्षा सुधारों में अहम भूमिका निभाई, जिसके तहत तीनों सेनाओं के लिए थिएटर कमान बनाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई, ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय बढ़ सके। न्यूज़ तक ब्यूरो।